हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इंग्लिश लेक्चर 48 पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इसमें दिया है। यदि क्या पहले आया हो अर्थात उसका जवाब यश्नों में दिया जा सके, तो स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले हम लगाएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हेड लगेगा, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे यहाँ दे दिया है, हमारा पहला दिया है क्या मैं लिख सकता हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ तो सबसे पहले हैड चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे हैड। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई, तो हैड आई। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो राइट का रिटर्न, आई हैड रिटर्न। तो क्या मैं लिख चुका था, ये आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या तुम लिख चुके थे, तो हैड यू। उसके बाद है रिटर्न, हैड यू रिटर्न क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह लिख चुका था, तो हैड, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्यूरल सबके साथ हमारा हैड, ही रिटन। नेक्स्ट है क्या मोहन खा चुका था, तो हैड मोहन खाना का ईटन। नेक्स्ट है क्या सीता और गीता इसे कर चुकी थी, तो हैड सीता एंड गीता, हैड सीता एंड गीता। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो डन, ईट इसे का या दिस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या वे पढ़ चुके थे, तो हैड दे, हैड दे रेड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आएंगे, इसका हम होमवर्क लेंगे, तो होमवर्क में पहला है क्या मैं उसकी मदद कर चुका था, क्या वह आम खा चुका था, क्या वह बाजार जा चुका था, क्या चोर दरवाजा तोड़ चुके थे, क्या मैं वह फिल्म देख चुका था, क्या बच्चे खा चुके थे, क्या मेरी बहन बाजार से रसगुल्ले ला चुकी थी, क्या मोहन विद्यालय जा चुका था, क्या खिलाड़ी मैदान में जा चुके थे। नेक्स्ट आएंगे, अगला है इंट्रोगेटिव का रोल, कि जब हमारा क्या बीच में आया हो अर्थात उसका जवाब यश्नों में न दिया जा सके, तो सबसे पहला है स्ट्रक्चर, इसमें वाट लगेगा, फिर हेड होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। वह क्या खा चुका था, तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट हैड। अब इसके बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, वह की मीनिंग ही हो गई। इसके बाद खा चुका था, ईटन। नेक्स्ट है हमारा तुम क्या पढ़ चुके थे, तो सबसे पहले व्हाट हैड यू पढ़ चुके थे, यानी रेड आर ई डी। नेक्स्ट है वे राधा को क्या दे चुके थे, तो व्हाट हैड राधा, सॉरी यहाँ पर वे राधा को क्या दे चुके थे, सब्जेक्ट हमारा वे है, तो व्हाट हैड दे। अगला है गिवन, तो गिवन राधा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा मोहन उसे क्या दे चुका था, तो सबसे पहला काम है व्हाट हैड मोहन। नेक्स्ट है आगे देना, तो गिवन, उसके बाद हिम। नेक्स्ट वह क्या नहीं खा चुका था,
तो व्हाट हैड ही, चूंकि निगेटिव, अगर इंट्रागेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद खा चुका था ईटन। नेक्स्ट है तुम उन्हें क्या नहीं दिखा चुके थे, तो व्हाट हैड यू, निगेटिव है तो यही नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, दिखाना सो तो हो जाएगा सोन, उन्हें तो उन्हें का देम। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क, वे क्या खा चुके थे, तुम क्या बोल चुके थे, राधा क्या गा चुकी थी, मैं क्या क्या खा चुका था, वे क्या नहीं लिख चुके थे, तुम क्या नहीं बोल चुके थे, राधा क्या नहीं गा चुकी थी, मैं क्या क्या नहीं खा चुका था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।